आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया, इसी तरीके से आज तक आप लोग बने रहेंगे। आज बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। आज हमारे परिवार के जो स्टार अचीवर हैं, जो एक कड़ी मेहनत करके 45,000 पीपी कलेक्ट किया है और एक पद कंपनी द्वारा प्राप्त किया है जिसका नाम है स्टार पद, स्टार एजेंट। एक मौका है आप लोगों को कंपनी द्वारा, हम सभी के द्वारा एक विशेष तरीके का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और आगे ये निरंतर होता रहेगा ताकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं, ये हम जो डिरेक्शन में ऊपर चढ़ने की पहली सीढ़ी है उसपे अपना पहला कदम रख दिया। और जब आपका पहला कदम आपने रख दिया है तो आगे आपका कदम बढ़ता है। इसपे बराबर सहयोग हमारे सभी गुरु का, हमारे सभी कंपनी मैनेजमेंट का, हर तरफ से आप लोगों को सहयोग मिलता जाएगा और आप लगातार बढ़ते हुए आपका जो मंजिल है आप सभी को क्राउड एम्बेसडर बनना है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? रेडी है? थैंक यू। आप सभी लोगों को अनुरोध करना चाहेंगे, हम सभी के गुरु श्री राम शेष गुप्ता सर को आमंत्रित करेंगे और आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप सभी लोग खड़े होकर के सर का जबरदस्त तालियों से वेलकम करेंगे। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबके जीवन में खुशहाली है का? खुशहाली किसी के जीवन में नहीं है। और ये खुशहाली आएगी कैसे? कितने लोग पहली बार, नए लोग हैं, कितने लोग हाथ उठाए, नए लोग जोर का ताली होनी चाहिए। चलिए आपसे पूछते हैं, खुशहाली पाने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए कि आप खुश हो जाए? क्या क्या चाहिए? है कि नहीं? देखिए समझिए, ठीक है आपको तंदुरुस्ती मिल गया, पैसा मिल गया, खुशहाली आएगी, आप बताए खुश हो जाएंगे, तब और क्या चाहिए कि आप खुशहाल हो जाए? वही सेहत पैसा ये तो बता दी, और क्या उसके अलावा सेहत पैसा मिल गया खुश हो जाएंगे, खुशहाली आ जाएंगे? सम्मान अगर मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे? अभी आपको यहाँ सम्मान दे दिया जाए, माला पहना दिया जाए, आप खुश हो जाएंगे, खुशियाँ मिल जाएगी, पता है? पता पता है? और क्या चाहिए? मान सम्मान वही तो बात वो भी कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर समय नहीं रहेगा खुशियाँ पाए मिलेगा? तमाम लोग पैसे के ढेर पे बैठे हैं लेकिन नींद की दवाई खा के सोते हैं, खुशहाल है क्या? खुशहाली पाने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है, अच्छी सेहत और
पैसा का भरमार हो, पैसा की कमी ना हो और समय की कमी ना हो, यानी समय भी आपके पास मिले जिससे आप पैसे का एंजॉय कर सकें, है कि नहीं? वासवन भाई, ये तीनों चीज जरूरी है। दूसरा, मान सम्मान, मान सम्मान भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये तीनों जरूरी है। इसके अलावा देश दुनिया में पहचान, ये भी जरूरी है कि नहीं? आज पहचान बनाने के लिए कितने लोग मंदिर मस्जिद बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, बनवाते हैं कि नहीं बनवाते? क्यों? क्योंकि ताकि उनका नाम है। कुछ लोग लंगर चला रहे हैं, लंगर जाते हैं गरीबों की भोजन कराने में, है कि नहीं? तो ऐसे में जो लंगर चला रहा है वो भी पहचान के लिए करा रहा है ना, है कि नहीं? बात मत कीजिए, बैठिए। आप लोगों को क्या क्या बताया जा रहा है दिमाग में आना चाहिए। वास्तव में आज जो चीज आपको लखनऊ पाना था वो चीज पाने के लिए हमने प्रयास किया, नहीं तो वो चीज जो यहाँ पाएंगे आज उसको पाने के लिए हजार रुपया खर्चा करके आपको लखनऊ जाना पड़ता है कि नहीं? तब वो मिलता, तब वो सम्मान आपको दिया जाता, और वो सम्मान पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए हमने जिम्मेदारी लिया, हमने सोच लिया कि पिन पाने के लिए, मेडल पाने के लिए लखनऊ नहीं जाना होगा, क्योंकि लखनऊ जाने में कम से कम हजार रुपया किराया भाड़ा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसके अलावा टिकट ऊपर से, तो आज हमने जो प्रयास किया उस प्रयास में कंपनी ने हमारी मदद किया, कंपनी ने मदद किया, और मदद करने के कारण आज बात मत कीजिए, क्योंकि आपका जिंदगी अगर बदलना है तो बात करने से डिस्टर्ब नहीं देंगे, है कि नहीं? तो डिस्टर्ब आप तो डिस्टर्ब होंगी, लेकिन अपने बगल वाले को भी डिस्टर्ब करेंगे, है कि नहीं? आदमी का दिमाग, आज गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए है कि आप लोगों के अंदर अनुशासन नाम की चीज नहीं है। अनुशासन जानती है? अनुशासन बना के रहना, अनुशासन का पालन करना, नियम का पालन करना, नियम तो सबके लिए बनाया जाता है ना, है? अगर नियम ना बने ना, कानून ना बने, तो चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस रहता है कि नहीं? क्यों रहता है? अगर वो ना रहे तो गाड़ियां लड़ेंगी, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? नियम बनाया गया है कि आपको हेलमेट लगा के चलना है, वो किसके लिए बनाया गया है? आपके लिए बनाया गया कि आप सुरक्षित रहें, है कि नहीं? वरना एक्सीडेंट होगा तो आपका नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा। तो नियम कानून जो बनाए गए हैं सब आपके फायदे के लिए बनाया गया, है कि नहीं? दूसरे के फायदे के लिए नहीं बनाया गया। अगर यहाँ पर आपको शांत रहने के लिए बताया जा रहा है तो आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है। एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, जो भी आपको समय देना है शांति के साथ समय दीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए, है कि नहीं? तो मैं, क्योंकि आज आपके बीच में जो लीडर आए हैं वो भी बिहार से चढ़ के आए हैं,
अगर आप लोग बातें करेंगे तो वो क्या समझेंगे कि आपके यहाँ यहाँ कलीनाबाद में अनुशासन नाम की चीज नहीं है, है कि नहीं? तो अनुशासन बना के रखना है। और आज लोगों को यह कंपनी सम्मान भी देती है और कंपनी जो इतना सम्मान देती है, मैं समझता हूँ कि आप लोग सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को देते हैं तो दमाद को देते हैं, है कि नहीं? दमाद का सम्मान होता है नहीं? अरे कंपनी इतना सम्मान करते हैं कि दमादों को उतना सम्मान नहीं देते, दमादों को इतना सम्मान दमाद को भी नहीं मिलेगा जितना सम्मान आपको मिलेगा कंपनी के लिए। बात समझ गए? तो यहाँ भी उसी सम्मान के कड़ी में आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और चूंकि यहाँ पर आज आप लोगों ने रिकॉर्ड काम किया है, तो रिकॉर्ड क्या काम किया है कि आज ये हाल में जगह लिए और बाहर बेचारे बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। तो इसी सम्मान के कड़ी में यहाँ पर दस लोग आ जाएंगे, चलिए पांच पांच लोगों और सबका टिक लगाते जाइए जो आता है, ठीक है ना? और टिक लगाते जाइए। सुष्मा प्रियदर्शी, हरिश्चंद, संगीता मौर्य, जो लोग पति पत्नी के साथ आए हैं जरूर आएंगे। अरविंद सर, अभी आप सभी लोग वहीं रहेंगे। म्यूजिक जबरदस्त हो लीजिए दोस्तों, ये मौका आगे आपको मिलेगा, आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे तो मैं आपके लिए भी तालियां बजाऊंगा। तो थैंक यू।
आप लोगों के स्थान पर बैठ जाए।